हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं शोर आला म्यूजिक और मैं ऐश कुमार शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। सॉरी दोस्तों, जिस तरह से हम कोई जर्नी शुरुआत करते हैं तो उस जर्नी को शुरुआत करने से पहले मुझे एक रूट पता होना चाहिए। यदि हमको रूट पता है तभी जर्नी संभव है, और बिना रूट जाने, बिना रास्ता जाने न तो मैं वो जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो उससे पहले हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए, कौन कौन से रूट के ज़रिए मुझे जाना है। सिमिलरली संगीत के क्षेत्र में यदि हम कोई सा भी गीत गाते, भजन, फिल्मी, कुछ भी, गज़ल, कव्वाली, तो मुझे उसका स्किल जानना ज़रूरी होता है। हर एक गीत, गज़ल, कव्वाली, भजन इत्यादि एक संगीत के ढांचे पर कसा हुआ है, और वो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा रूट ये है। रूट मतलब पहला हमें स्टेप ढूंढना ज़रूरी है, पहला कि ये रूट है आपका, उसके बाद में आप सीधे जर्नी कर सकते, फिर आप मिल सकते। पहले ही रूट नहीं पता है तो हम दूसरे तीसरे मोड़ पर कैसे पहुंचेंगे। जो भी हारमोनियम सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट किया या बहुत पहले से सीख रहे होंगे, यदि उन्होंने अभी तक ये स्केल की बीमारी को नहीं पकड़ पाया तो ये समझ लीजिए कि आपने अभी अपनी जर्नी, संगीत की जर्नी अभी शुरुआत नहीं की है। मेरा खुद का निजी ये एक्सपीरियंस है कि बिना सा पहचाने, गाने का सा जाने बगैर आपका ये अभ्यास करना फिजूल है। आप ऐसे सारे गामा बजाते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला आपको। लेकिन जब आप कोई गाना निकालने बैठते हैं, ट्राई करते हैं, तो वही आप उसी में फंस जाते, उलझन में, क्योंकि जो ये सबसे प्राइमरी थिंग है आपको इसलिए जानना चाहिए। वो हमें मार्ग दर्शाता है, हमें सा रे गा मा पा धा नी सा तक, यानी कि सात स्टेप बता देता है, इसलिए हमें वो जानना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज मैं यही बात क्लियर करूँगा आपको, और मैं यही आपसे यही रिक्वेस्ट किया, मैं यही आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह है कि आप सबसे पहले उसके स्किल को पहचानना शुरू करें, तो आप उसके जरिए उसके पद चिन्हों पर आप अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों यही मैं बताने वाला हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो मैं यही गुजारिश करता हूँ, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लेकिन एंड तक बने रहें। आप देखें, मैं आपको स्किल पकड़ना बताऊंगा पहले, और उसके बाद देखना कि आपको फिर वो स्टेप मिल जाएंगे, वो सिंबल्स मिलते जाएंगे जो कि गाना यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं एक गाना बताऊंगा आपको, इसमें बजा करके वेलकम टू सॉरो म्यूजिक वर्ल्ड ब्लूटूथ मोड, और आप उसी तरह से, या तो इस पे बजाए मैंने, मान लो मैं ऑडियो बजा रहा हूँ, या आप कहीं पर भी, या कोई गा रहा है, तो उसको भी हम पहचान सकते हैं। देखें, पहले गाना सुने, भजन करना है, और अभी एक नहीं, अभी तो दो तीन और बढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर आला म्यूजिक। आप सभी दर्शकों का मेरे इतनी सुंदर एक चेतावनी भजन कह सकते हैं आप, प्रभु का भजन करना है, और ये हमारी जिंदगी के बारे में बताया गया है इसमें। आप इस भजन को सुने और पहले उसका स्केल पकड़े आप इसके साथ ही। तो आइए इस मधुर भजन को हम श्रवण करेंगे, जिस पर तबले पर संगत श्री लक्ष्मीकांत दाहिया जी और मैं एश के शर्मा।
आइए भजन का आनंद लें। आप इस गीत को सुनते जाइए और अपने हारमोनियम पर इसका सा पकड़िए, यानी कि गीत का स्केल। और गीत का एक बार स्केल पकड़ लिया उसके बाद आपको पता है फिर सा रे गामा कौन कौन से सुर लग रहे हैं उसमें। तो दोस्तों ये स्केल क्या है इसका, आपने इसको बटन दबा के देखा होगा, इसका डी मेजर स्केल है। जो भजन ये चल रहा था, जो जिसको मैंने ऑडियो बजाया, ये डी शार्प मेजर पे है। अब इतना पकड़ना आना चाहिए आपको। अब मैं देखता हूँ, जय नमो जिस दिन हुआ समझो, जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। अब यहाँ से पता लगा मेरे को, यानी डी शार्प जो इस गाने का स्केल है वो हमारा सा बन गया, गीत का भी सा है। अब हमको यहाँ से गाना है तो सा रे गा मा इसमें तीव्र लगा है, हालांकि माँ थोड़ा बहुत शुद्ध भी लगा, लेकिन राग यमन है तो तीव्र माँ पा इसमें ये नोट्स लगे, सा रे गा मा पा दा नी सा और रे तक गया। तो इसमें अब मुझे पता लग गया, अगर मुझे नहीं पता होता कि गीत का स्केल कैसे ढूंढते हैं तो मैं इतने सारे पूरा ही मैंने एक ऑक्टेव के नोट्स ढूंढ दिए। ये फायदा होगा आपको यदि आप ये चीज़ नहीं जानते, तो इस चीज़ को समझो। देखिए अभी फिर से मैं बता देता हूँ, आप ये एक गीत जो चल रहा है उसमें आप अगर डी शार्प के ऊपर यानी दूसरी काली पे दबाएंगे दूसरी काली को तो आपका स्केल मिल जाएगा, यानी चाहे पूरा भजन क्यों ना ख़त्म हो जाए ये यही स्वर गूंजेगा, इसकी आवाज़ सुनाई देगी दूसरी काली की। अगर आप इसको तीसरी या चौथी काली लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो देखो कोई नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है। तो आप ऐसे गीत का स्किल पहचाने, आपको सबसे बड़ी कला है। मैं बताऊं, इसके बिना आप जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये संगीत का मामला है, संगीत में तो जो कुछ होता है स्केल होता है। तो आप ऐसे गीतों का स्किल पकड़ना सीखिए, आपको उतना ही लाभ होगा। और फिर आप कोई भी गा रहा है तो उसको सुन करके भी आप आइडिया लगाइए कि इसने यहाँ से गाया, और नहीं तो आप अपने ऑडियो लगाएं, उसका ओरिजिनल स्केल पहचानें, फिर आप
इसी को ओरिजिनल स्केल मान के चलिए और यहीं से अभ्यास करिए तो आपको कहाँ कहाँ जाएगा ऊपर है, सही टोन में गाना है आपको, जैसे गीत है तो आपको सारे नोट्स पता लग जाएंगे, तो उसके बाद में आपको उसका नोटेशन बनाना सिंपल हो जाएगा। अन्यथा आपने यदि एक स्वर नहीं पकड़ पाया, सा नहीं पकड़ पाया गीत का, स्केल नहीं पकड़ पाया, तो रूट नोट पकड़े बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरी यही एडवाइस है कि आप सबसे पहले ये चीज़ सीखें, उसके बाद में कुछ शुरू करें। कितने भी अलंकार सीख लीजिए आप, चाहे 1000 अलंकार सीख लें, लेकिन वो बात कुछ और है। अलंकार आपकी फिंगर मूवमेंट को तेज कर सकता है, फास्ट कर सकता है, बट ये चीज़ सेपरेट थिंग है। इसको आपको जो टेक्निक मैंने बताई है उसी से आपको सीखना पड़ेगा। आप ऑडियो बजाएं, एक एक बटन को दबाएं, जो सही स्केल होगा वही एक बटन मैच करेगा उस साउंड से, यानी कि जो गाने का साउंड है उससे मैच करेगा। तो आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो इसके बाद में आपको पहला नोट मिल गया, यानी कि सा मिल गया, उसके बाद में आप रे गा मा पा, आप खुद पता लगेगा आपको गीत जब बजाएंगे कोमल नहीं लग रहा है, शुद्ध नहीं लग रहा, धा कोमल लग रहा है, शुद्ध लग रहा है। दोस्तों तो मेरी यही सलाह है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इस चीज़ को पक्के तौर पर करें आप। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके कमेंट्स में भेजें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को एक बार दबाएं ताकि मेरे अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। और दोस्तों यदि आपको इस नेचर के कई और भी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे आपको, स्वर आलय म्यूजिक में, और गाना कैसे बजाते हैं ये भी बहुत वीडियो मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और गानों के बीच का म्यूजिक कैसे बजाया जाता है इस पर तमाम वीडियोस मैंने अपलोड किए, और रागों पर आधारित ट्यून्स कैसे बजानी, धुन कैसे बजानी है, तो वो मेरे बहुत वीडियो अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। एक तो जो धुन मैं बनाता हूँ वो राग पर बेस्ड होती है, तो एक तो राग का चलन आपको पता लगेगा और दूसरा आपको धुन भी तैयार हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।